प्रदेश के कई ज़िलों में कल हुए नामांकन के दौरान हुए झड़प के बाद भी नामांकन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई और वहीं फतेहपुर ज़िला के ब्लॉक में नामांकन की प्रक्रिया के दौरान बड़े स्तर पर झड़प हुई। ब्लॉक प्रमुख नामांकन के मामले में आपको बता दें कि फतेहपुर ज़िले के तेलियानी ब्लॉक में नामांकन प्रक्रिया के दौरान सपा व भाजपा समर्थकों में झड़प हो गई थी और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद आज सपा जिलाध्यक्ष की अगुवाई में सपाइयों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की। वहीं सपा जिलाध्यक्ष विपिन यादव ने जिला प्रशासन पर सत्ता के इशारे में चुनाव कराए जाने का आरोप लगाया। वहां नामांकन के दौरान सपा प्रत्याशी के साथ की गई अभद्रता व पर्चा फाड़े जाने के मामले में कार्रवाई की मांग की गई। वहीं सपा जिला अध्यक्ष ने आरओ व एआरओ पर सत्ता के दबाव में चुनाव कराए जाने का आरोप लगाया। धज्जी उड़ाई जा रही है। कल जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी को रोका गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसके पर्चा फाड़ा गया और पुलिस लोग दर्शक बनी देखती रही, उसके विरोध में हम लोगों ने आज गर्म साहब से मिल करके अपनी बात रखी और ये कहा है कि कल मतदान होने वाला, हो सकता है इससे बड़ी गुंडाई हो, धांधली हो, उसको रोकने के लिए हम लोग आज मिलने आए हैं। और दूसरी बात कि जनपद फतेहपुर के हरग्राम विकासखंड में 29 लोगों का एक मंत्री के दबाव में जो लोग साक्षर हैं उनको उनका भी मतदान सहायक बनाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग इस बात को लेकर के आए हैं कि जो लोग निरक्षर हैं उनके रक्त संबंधी को ही सहायक मतदान सहायक बनाया जाए, लेकिन धांधली सत्ता पक्ष के दबाव में आरओ धांधली कर रहे हैं, उसका भी हमने मैडम को ज्ञापन दिया है डीएम महोदया को कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनका कतई मतदान सहायक न बनाया जाए।